Welcome to Infant India's Education World. बैतुल नसीब उर्दू स्कूल से अस्सलामुअलैकुम बच्चों, बाल भारती किताब से मैं लेकर आई हूँ आपकी नज़म नई कहानी। आइए बच्चों, मैं शुरुआत करती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए, अब मैं इसको पढ़ूंगी। अम्मी कहने लगी कहानी, एक था राजा एक थी रानी। मुन्ना बिस्तर पर से बोला, अब ये कहानी मैं न सुनूंगा, नई कहानी मुझे सुनाओ, अम्मी मेरा जी बहलाओ। मैं ना सुनूंगा शेर का किस्सा, आ जाता है मुझको गुस्सा, क्यों खाता है हिरन हमारे नन्हे से खरगोश बेचारे। मैं तो सुनूंगा किस्सा ऐसा, एक हो लड़का मेरे जैसा, शेर को भी जो मार भगाए, राजा को खातिर में न लाए, पार करे वो सात समुंदर, सैर करे आकाश पे जाकर, तारे उसके हो हम जोली, चांद से खेले आँख मिचोली, बादल में वो झूला झूले, चांद सितारों को भी छूले। अम्मी मेरी अच्छी अम्मी, कह दो आज कहानी ऐसी। बच्चों, ये नज़म, एक लड़का जो नन्ना सा है वो अपनी अम्मी से कहता है कि अम्मी, रात को सोने के टाइम जैसे आप लोग अपनी अम्मी को कहते हो कि अम्मी मैं, मुझे नींद नहीं आ रही, आप मुझे कहानी सुनाओ, तो इस नज़म में ये बच्चा भी कह रहा है कि अम्मी आज आप मुझे एक कहानी सुनाओ, मगर मैं शेर वाला किस्सा नहीं सुनना चाहता हूँ। अगर मैं शेर का किस्सा सुनता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है, क्यों? क्योंकि वो हमारे हिरन खा जाता है, हमारे नन्हे खरगोश खा जाता है। आप मुझे उसका किस्सा मत सुनाइए, आप मुझे ऐसा किस्सा सुनाइए जो एक लड़के का हो, वो लड़का बिल्कुल मेरे जैसा हो, जो जैसे मैं, अगर कोई शेर आएगा मेरे करीब तो मैं उसको मार भगाऊंगा, वैसे ही वो लड़का भी मेरी तरह होना चाहिए, बिल्कुल निडर, जो शेर से भी ना डरे और जो उसके करीब शेर आए तो उसे मार भगाए, और सात समंदर पार करे और आकाश की सैर पे जाए, और उसके हमजोली कौन हो, तारे उसके हमजोली हो, और वो चांद से आँख मिचोली खेले, और उसका झूला कैसा हो, कहाँ पर डाले, वो अपना झूला बादल पे डालना चाहता है, और किसको छूना चाहता है, वो चांद सितारों को छूना चाहता है। मेरी प्यारी अम्मी, आप मुझे ऐसे लड़के की कहानी सुनाओ। बच्चों, आपने, उम्मीद करती हूँ ये आपको नज़म समझ में आ गई होगी। वो लड़का जो है, छोटा सा नन्ना बच्चा, वो चाह रहा है अपनी अम्मी से ऐसी कहानी सुने जो बिल्कुल निडर हो, वो किसी चीज़ से ना डरे, ना शेर से डरे, ना कोई और डराने वाली चीज़ से डरे, बल्कि वो ऐसा नहीं डरो कि अगर शेर भी उसके पास आए तो उसको मार भगाए, और वो सात समंदर पार करे और आकाश की सैर पर जाए, और उसके दोस्त कौन हो, तारे, और उसके हमजोली कौन हो, तारे, और चांद से वो क्या केले, आँख मिचोली, और वो अपना झूला कहाँ डालना चाहता है, वो अपना झूला बादल पे डालना चाहता है, और किसको छूना चाहता है, वो चांद सितारों को छूना चाहता है। अब तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये नज़म अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आइए अब हम अपने होमवर्क पर चलते हैं। बच्चों, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब एक लफ्ज़ में आपको लिखना है और मुझे मेरे गूगल क्लासरूम में भेजना है। Please subscribe the channel and press the bell icon.